हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कोरमा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम्स चिकन लिया है विद बोन्स और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। चिलीज़ को भी मैंने साथ में ही ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 कप दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेनी है क्योंकि हम इसमें रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करते हैं, तो जितना तीखा आपको पसंद है आप ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा समय के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हो। मैंने 2 अनियंस को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 8 से 10 काजू के टुकड़े मैंने कर लिए हैं। ये 2 टेबलस्पून जितना काजू टुकड़ा है। 10 से 15 मैंने बादाम लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने खसखस लिया है। इन सभी चीज़ों को हम बॉईल कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने एक वेसल में डाला है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप वाटर और मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये बॉईल हो गया है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 स्टिक दालचीनी के, 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 बादियान का फूल और 2 हरी इलायची। इसको हम सॉटे कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने मैरिनेशन में भी ऐड किया है। इसमें टोटल हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। हीप्ड भर के लेंगे। जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गई है। अब जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था उसके सिर्फ पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिनेट हम पहले नहीं ऐड करेंगे। पहले चिकन को अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर और फिर बाद में हम इसमें एक्स्ट्रा मैरिनेट ऐड कर देंगे। इसको कवर करके अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ मैं इसमें 4 हरी मिर्चें और ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मैरिनेट था वो इसी में ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस का फ्लेम अब मैंने स्लो रखा है। इसी के साथ जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर जार को क्लीन करके मैंने 1 कप जितना पानी इसमें ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट मैंने मैरिनेशन में भी ऐड किया था। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको स्लो फ्लेम पर कवर करके चिकन टेंडर होने तक हम कुक कर लेंगे। बाउल में मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप फ्रेश क्रीम। मैंने घर की मलाई ऐड की है, आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास मावा भी नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर लें। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चीज़ का क्यूब जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन हमारी ऑलमोस्ट कुक है। इसमें अब ये मिक्सचर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम मिल्क पाउडर का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को रोस्ट करके क्रश करके ऐड करें। 1/4 टीस्पून जायफल एंड जावित्री पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके 5 मिनट्स कुक कर लेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी रेडी है। इसमें मैं 1 टीस्पून केवरा वाटर ऐड कर रही हूँ।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। मैंने एक स्पून रखा है, इसके अंदर मैंने एक कटोरी रखी है। अब मैं इसमें जलता हुआ कोयला रखूंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर लेंगे। 5 मिनट्स मैं इसको इसी में रहने दूंगी और फिर इसको बाहर निकाल लूंगी। 5 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।